लगता है कि मध्य प्रदेश की बेटियों ने देश और दुनिया में अपने हौसलों का लोहा मनवाने की ठान ली है। एक और रीवा की रहने वाली फ्लाइंग कैडेट अवनी चतुर्वेदी ने एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाकर इतिहास रच दिया। वहीं अब इंदौर की बेटियां सड़क पर फर्राटा भरती नजर आएंगी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये चंद लाइनें पढ़ने में जितनी अच्छी लगती हैं, उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब ये पंक्तियाँ धरातल पर साकार होती नजर आती हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़कियाँ जो पुरुष प्रधान सोच पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं, और दूसरी तस्वीर में जूडो कराटे की प्रैक्टिस करके ये संदेश दे रही हैं कि इन्हें किसी भी हाल में हल्के में मत लेना, क्योंकि नारी शक्ति का ही रूप होती है। और अब ऐसा कोई काम शायद इस धरती पर नहीं बचा है जो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ना कर सके। जी हाँ, दरअसल इंदौर में एक संस्था के बैनर तले ये गरीब लड़कियां और महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्राइविंग सीख रही हैं। और जिस तरह से महिलाओं को अकेला पाकर असामाजिक तत्व उनसे छेड़छाड़ जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए बाकायदा जूडो कराटे की भी ट्रेनिंग ले रही हैं और अब गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। जब हम बात समानता की समाज में करते हैं तो ये समानता महिलाओं और पुरुषों के बीच की होती है, पर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है जो गरीब तबके की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वर्कर का काम करती हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हुए नजर आती हैं। पर कुछ महिलाओं ने इस पुरानी पद्धति को तोड़ते हुए ड्राइविंग को अपना पेशा अपनाया है और ये कहीं ना कहीं कार्यरत है। काफी जो वहाँ इज्जत नहीं मिलती थी, यहाँ काफी इज्जत मिली है, वो पेशा छोड़ के ये पेशा अपनाया है तो काफी इज्जत मिली है। लोग 10 लोग देखते हैं तो काफी मेहमत के हिसाब से ही बुलाते हैं, जो पहले कभी सुनने को मिला नहीं। जैसे कि घर के काम में और बाहर के काम में बहुत वो मतलब फील करते हैं कि जैसे घर के लोग बोलते हैं कि नहीं घर का ही काम महिला उनको तो घर का करना चाहिए, वैसे बाहर नहीं करना चाहिए। बाकी हम बाहर का करते तो हम खुद ही अपने आप में बहुत वो करते हैं और जैसे दूसरे सामने वाले भी देखने वाले को गर्व होता है कि नहीं यार जाती है बोले। दरअसल इंदौर की एक संस्था समान ने गरीब तबके की युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल शुरू की है, जिसके तहत इन युवतियों को पिछले 1 साल से कठिन ट्रेनिंग देकर कुशल कार ड्राइवर बनाया जा रहा है। ऐसी ही 80 लड़कियों को संस्था ने ट्रेनिंग दी है, जिसमें से 4 युवतियों को नौकरी भी मिल गई है और 14 लड़कियां नौकरी के लिए तैयार हैं। ड्राइविंग का काम में आमतौर पर महिलाएं नहीं आती है, हमारी कोशिश है कि जो कि इस पेशे में जो पुरुष का कब्जा है तो महिलाएं भी इस पेशे में आए, इससे एक तरह से एम्पावरमेंट बढ़ेगा और समाज में समानता आएगी। अपने घर की बेटियों को ड्राइविंग जैसे चुनौती भरे पेशे में उतरता देख उनके परिजन भी गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे कि एक लड़की होके गाड़ी चलाने जा रही है। फिर बाद में हमको ऐसा लगा कि यार घर से निकल के बाहर जा रही है तो कुछ अच्छे अच्छे काम कर रही है, और ये झाड़ू पोछा करने से तो और बेहतर है जो कि ये अपना खुद का काम ड्राइविंग कर रही है। आज के जमाने में कोई लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देता, डर के मारे कोई नहीं निकलने देता, इसलिए हाँ, तो वो वहाँ सशक्त भी बनाया जाता है। हाँ, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अच्छा है कि कहीं जाके और आगे बढ़े। हाँ, दूसरी लड़कियों को भी सिखाए और दूसरे माँ बाप भी मतलब हमारे जैसे आगे लड़कियों को पहुँचाए। बदलते परिवेश में महिलाएं जिस तरह से खुद को साबित कर रही हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब महिलाओं के लिए कोई भी काम मुश्किल भले ही हो लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। नजरिया बदलिए, समाज बदलेगा और धीरे धीरे देश भी बदलेगा, तभी समाज में समानता की भाव आएगी। कुछ इसी इच्छा शक्ति के साथ समान संस्था ने काम किया है और कई महिलाओं को वाहन चालक के रूप में सशक्त किया है और वे आज कहीं ना कहीं काम करके अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं। कैमरा पर्सन अरविंद यादव के साथ सुनीता सिंह, इंडिया न्यूज़, इंदौर।